लखनऊ के चर्चित हिंदूवादी नेता रणजीत बच्चन हत्याकांड के शूटर को बीती रात लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया। देर रात हजरतगंज, आलमबाग, साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने जितेंद्र वर्मा की भागने की सूचना पर घेराबंदी की, जिस पर मोटरसाइकिल से जा रहे बदमाश ने पुलिस टीम पर दो फायर झोंके, जिससे पुलिस टीम बदमाश की गोली से बाल बाल बची और जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की। आलमबाग इंस्पेक्टर आनंद शाही की गोली बदमाश के पैर में जा लगी और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश जितेंद्र को इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल बदमाश के पास से एक पिस्टल और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दो दिन पहले ही घटना में शामिल एक महिला सहित दो अन्य लोगों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब खबर ये है कि मुठभेड़ में घायल हुआ रणजीत बच्चन का हत्यारा। एक बदमाश जो भाग रहा था उसकी सूचना इंस्पेक्टर गंज को मिली थी, उन्होंने वो सूचना इंस्पेक्टर आलमबाग से शेयर की। दोनों टीमों ने यहाँ पर घेराबंदी की और उस क्रॉस फायरिंग हुई। बदमाश द्वारा दो फायर किए गए, इस पर पुलिस ने धैर्य रखते हुए एक फायर किया जिससे बदमाश घायल हो गया, उसको हमने हॉस्पिटल रेफर करा दिया है। ये कैंट एरिया पड़ रहा है, कैंट एरिया का थाना क्षेत्र आलमबाग है और बदमाश ये अभी एक हत्याकांड हुआ था तो उसने नाम पता तस्दीक करते हुए अपना नाम जितेंद्र वर्मा बताया। गगन मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गगन, रणजीत बच्चन हत्याकांड में पुलिस ने शूटर को दबोचा है एनकाउंटर के जरिए, खबर जानना चाहेंगे कोई और आरोपी बचा है या सिर्फ एक ही आरोपी जिसकी तलाश पुलिस को थी वो भी पकड़ा गया? देखिए बिल्कुल पंकज, इस पूरे हत्याकांड में चार लोग शामिल थे जिसमें तीन लोग की पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी और सिर्फ शूटर जो जितेंद्र वर्मा था उसकी तलाश जारी थी, लेकिन अब मुठभेड़ में शूटर को भी गिरफ्तार कर दिया। अब तक चार लोग की गिरफ्तारी हो गई, यानी कि पूरे हत्याकांड में जो जो शामिल था उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें पत्नी और पत्नी के प्रेमी पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। लगातार शूटर की गिरफ्तारी एक पुलिस टीम ने गठित थी, लेकिन कल देर रात जब शूटर भागने की कोशिश कर रहा तभी पुलिस ने मुठभेड़ में गगन किस तरीके से पुलिस ने शूटर को रडार पर लिया, आखिर तैयारी क्या थी? ये शूटर जितेंद्र जिसका नाम बताया जा रहा है कहाँ था और कहाँ जाने की फिराक में था? क्या ये भाग रहा था, लखनऊ छोड़ रहा था, कुछ और? देखिए बिल्कुल लगातार जब जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि शूटर रणजीत बच्चन की पत्नी के जो प्रेमी था उसके तेरा भाई था, उससे लगातार जितेंद्र से लगातार जानकारी ली जा रही थी कि जो शूटर जितेंद्र है वो कहाँ पर है। जब उसके जितेंद्र ने उसके अड्डे का पता बताया तभी पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर ली, लेकिन वो पुलिस को चकमा देखकर लखनऊ से भागने की कोशिश कर रहा था तभी कैंट रोड पे जो आलमबाग का थाना पड़ता है वहीं पर उसने पुलिस पर फायर की, जिसके बाद पुलिस ने रिटर्न फायर करने के बाद उसके पैर में गोली मारी जिसमें वो घायल हो गए। इलाज चल रहा, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ने इस पूरे मामले का हत्याकांड का खुलासा करने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अभी फिलहाल जितेंद्र का इलाज चल रहा है। गगन, जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, दूसरी पत्नी पर आरोप लगा कि उसने ये हत्या करवाई है, किस तरीके से पुलिस अब इस एंगल की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि आरोपी जितने थे हत्यारे थे वो सलाखों के पीछे हैं? देखिए फिलहाल पुलिस ने करीब पांच दिन में पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है, लगातार 12 टीमें गठित हुई थी, सभी एंगल से जांच हुई थी, लेकिन जब आखिरी एंगल में उन्होंने घरेलू विवाद एंगल पर जांच की तो सामने आया कि रणजीत बच्चन की उन्हीं की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरे हत्याकांड का चक्र रचा था और उसके बाद इसमें चार लोग शामिल थे। तीन लोगों को तो तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ शूटर बचा था जो जिसका वीडियो भी सामने आया था। फिलहाल शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया, अब पुलिस कैंप से सांस ले रही क्योंकि लगातार पुलिस को भी प्रेशर था कि शूटर जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि अलायक असल जिस पिस्टल से हत्या हुई थी वो भी अभी तक नहीं मिला था, तो पुलिस को एक पिस्टल भी उसके पास से बरामद हुई है, यानी कि अब जितने भी कड़ियां थी वो सब पुलिस ने खोल दी है और फिलहाल अब पूरा रणजीत बच्चन का हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका इस जानकारी के लिए।